प्रिशा और अरमान की शादी में आया है जोरदार ट्विस्ट, और उस ट्विस्ट का नाम सामने आ रहा है रुद्राक्ष खुराना। वही रुद्राक्ष जो अपनी प्रिशा को अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, वही रुद्राक्ष जो अपनी प्रिशा को किसी और का, ख़ास तौर से अरमान का होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जी हाँ, आपके उसी रुद्राक्ष की होने वाली है शादी में गेट तोड़ एंट्री, और यहाँ पर प्रिशा और अरमान को साथ फेरे लेने से भी रोक देगा आप सभी का प्यारा आरके। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ऐसा ही कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होने वाला है इस शो की कहानी में, जहां पर प्रिशा अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही होगी भगवान से कि चाहे कहीं से भी रुद्राक्ष आ जाए और इस शादी को रोक दे। तो भगवान प्रिशा के दिल की बात सुन लेंगे और रुद्राक्ष को भेज देंगे सीधा दिल्ली, वो भी ठाकुर मेंशन के बाहर, जहाँ पर रुद्राक्ष अपनी प्रिशा को पाने के लिए गार्ड से करेगा लड़ाई, और भागते दौड़ते वो सीधा पहुंच जाएगा प्रिशा के शादी के मंडप में। अब आखिर शादी के मंडप के बाद क्या होने वाला है, इस बात की अपडेट चलिए हम देते हैं आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल सामने आई हैं कुछ लेटेस्ट तस्वीरें फ्रॉम द सेट ये है चाहते, जिसमें आप देखेंगे कि प्रिशा रुद्राक्ष की बाहों में है और रुद्राक्ष भी प्रिशा को गले से लगाए खड़ा है, और ये सब कुछ देख कर अरमान का मूड यकीनन ऑफ होना ही है, क्योंकि यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे शादी तो हो चुकी है भाई कैंसिल, और यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा का भी हो चुका है मिलन। अब ऐसे में जब ये दोनों हो जाएंगे एक, उसके बाद आने वाली कहानी में लगता है कि बहुत जल्द प्रिशा को उसका सारांश भी मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर स्टोरी लाइन के क्या होगा आगे, ये देखना होगा। अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस खबरों की माने तो बहुत जल्द शो से अहाना का भी जो रोल है वो ख़त्म होने वाला है। तो क्या अहाना और सारांश का रोल एक साथ हो जाएगा फिनिश, या फिर अहाना का रोल ख़त्म होगा तो हम ये समझे कि सारांश प्रिशा के पास वापस आ जाएगा। बहरहाल इन सारी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, लेकिन जब तक आप इंजॉय कीजिए इन सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स का, और हमारे चैनल सीरियल सियापा को फटाफट से सब्सक्राइब करें।